आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। पार्लियामानी इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देते हुए इंडिया इतिहाद को कामयाबी से हमकनार करें, वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने केरला में मुनक़िदा जलसे आम से किया खिताब। कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर अपनी जिम्मेदारी को भूलकर सियासत कर रही है, कारगुजार सदर केटीआर ने लगाया इल्जाम। मजलिस अराकीन असेंबली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। सत्रह पार्लिमानी हलकों के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी, अनकरीब नामों का किया जाएगा ऐलान। ट्रेनों से सरखा करने वाली तीन खवातीन जेर हिरासत, 5 लाख रुपये मालियती तिलाए जेवर बरामद, रेलवे पुलिस ने की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में सिविल सोसाइटी के जिम्मेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इस इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करते हुए कई फैसले भी लिए। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के हमराह एक इजलास मुनक़िद किया और कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस इजलास में रेला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया कि रियासी हुकूमत की जानिब से किसानों की फलाह बहबूद और महकमे तालीम को बेहतर बनाने की गरज से फार्मर्स कमीशन और एजुकेशन कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा, जबकि हर ज़िला में SC ST BC और अखिलियती तबक़ात के लिए इंटीग्रेटेड कैंपस की तमीर भी अमल में लाई जाएगी और इसका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोड़ंगल से इसका आगाज़ किया जाएगा। किसानों की फसलों के लिए इंश्योरेंस स्कीम का भी आगाज़ होगा, जबकि रियासत के मुख्तलिफ महकमजात में तखर्रुरात के लिए UPSC की तर्ज पर TSPSC के जरिए तखर्रुरात किए जाएंगे। हौलदार किसानों के मफादात के तहफ़ के लिए तजावीज़ के हसूल के लिए कुल जमाती इजलास भी तलब किया जाएगा। इस जायजा इजलास में प्रोफेसर कोदंडाराम के अलावा दीगर ने शिरकत की और अपनी आरा और तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने केरला में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िद किए गए जलसे आम में शिरकत की और इससे ख़िताब भी किया। उन्होंने आवाम से अपील की कि लोकसभा इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद को कामयाबी दिलाई जाए और BJP को शिकस्त से दोचार किया जाए। दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की 17 लोकसभा नशस्तों के लिए उम्मीदवारों को खतियत दे दी है, तहम इनके नामों का ऐलान होना बाकी है। राजग्रामी इन अहम खबरों के साथ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने केरला में मुनक़िदा कांग्रेस के जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में BJP को शिकस्त देते हुए
इंडिया इतिहाद को कामयाबी से हमकनार करें। उन्होंने बताया कि जिस तरह तेलंगाना में बदउनवान बीआरएस हुकूमत का खात्मा हुआ है, इसी तरह मरकज से बीजेपी को भी उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। वज़ीरे आला रेवंत रेड्डी ने केरला की आवाम को तयखुन दिया कि तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में से 14 हलकों पर कांग्रेस कामयाबी हासिल करेगी। इसी तरह आप भी केरला के 20 पार्लिमानी हलकों में से 16-18 हलकों पर कांग्रेस को कामयाबी से हमकनार करें। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अपने हलके संभली मधुरा में करोड़ों रुपये लागती तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अजा उन्होंने मीडिया से बात करते बताया कि कांग्रेस हुकूमत तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाले तकर्रात बगैर किसी पर्चे अफशां के साफ और शफाफ तौर पर मुनक़िद करेगी और इन तमाम इम्तहानात की तैयारी के लिए हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के तमाम 119 असम्बली हलके जात में अम्बेडकर नॉलेज सेंटर क़ायम करते हुए मुफ्त 15 रोज़ा तरबियत भी फराहम की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियासती हुकूमत ने रियासत की ख़वातीन की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई एक इक़दाम किए हैं। साबिक कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, बलराम नायक और सुरेश सटकर ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय से मुतालबा किया कि वो रियासती वजीर पूनम प्रभाकर और उनकी वालदा के खिलाफ इस्तेमाल किए गए नाशायस्ता अल्फाज से दस्तबरदारी इख्तियार करते हुए माजरत ख्वाही करें। अंजन कुमार यादव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी को धोखेबाज करार देते हुए बताया कि 10 साल गुजर जाने के बावजूद ना तो मुल्क की आवाम के अच्छे दिन आए और ना ही अकाउंट में 15 लाख रुपये जमा हुई और ना ही काला धन वापस लाया गया, सिर्फ राम के नाम पर सियासत करने में वक्त गुजारा गया। बीजेपी रामुनि पेर मीद 3 टर्म इलेक्शन कांटेस्ट केवल प्रजा पनल चेर संवसरा 2 कोट उद्योग मोदी अना 15 लाख गिरी अच्छे दिन आएंगे काला धन लाऊंगा भट्टे भाज पार्टी बीजेपी पार्टी दांट्लो ई रास्ता बंडी संजय एदैते रामुडु इलके इला कांदानोड रामुडु रामुडु अंदर देवुडु जय श्री राम अनेदि अक्कु इला कोक्कुनि पट्टराशि इच्चिनारु अंदर देवुडु रामु ना पेरु अंजनेय स्वामि रामुनि भक्तुडु ई प्रकातं ऐजाक् चेसि सरदार पटेल इला पार्टीड ఆ పెద్ద ఇగ్రం కట్టి దాన్ని ఐజాక్ చేసుకుని సర్దార్ పటేల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హోమ్ మినిస్టర్ అయినా మీరు గాంధీని చంపిన కాందాన్ మీది మీరు ఈరోజు మా మంత్రివర్యుడు పున్నం ప్రభాకర్ గురించి వాళ్ళ తల్లి గురించి మాట్లాడే హక్కులే ఖబర్దార్ బండి సంజయ్ అంటున్నాను నువ్వు మీ యొక్క ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి ఏమంటున్నాడు ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళందరూ సోనియా గాంధీ బస్తలు మోస్తున్నారు ఎస్ నిజంగా కూడా బస్తలు కాదు ఆమె కాళ్ళు కూడా నెత్తి మీద పోసుకుని తెలంగాణ ఇచ్చిన తల్లి బిడ్డ మీరేం చేస్తారు మొన్న వచ్చిన సంజయ్ ఏం చేసాడు ఉజ్జయిని మాంకాలి అమ్మ కాడ వచ్చినప్పుడు అమిత్ షా చెప్పులు మోసి తీసి ఇచ్చిండు చెప్పులు ఆ తల్లి ఆ పొన్నం ప్రభాకర్ తల్లికి కన్నందుక ఏ తల్లి కన్నదో కానీ మంచి బిడ్డని కన్నదిగా ఆ తల్లి పొన్నం ప్రభాకర్ గారి అమ్మ తెలంగాణ గురించి పార్లమెంట్లో పోరాడిన మేమందరం కూడా వచ్చినాం మీరెక్కడున్నా తెలంగాణ అప్పుడు ఎక్కడున్నా అడుగుతున్నా జయ జయ మాత భారత్ మాత అంటే మీ మేము పాకిస్తాన్ మాత అంటున్నారు మీ అందరు జయ మాత భారత్ మాతనే అంటున్నారు ఖాళీ సెంటిమెంట్ కొట్టి बीजेपी आला कमान और नेशनल बीजेपी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पार्टी ज़राए के मुताबिक तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में से 7 पार्लिमानी हलकों के उम्मीदवारों के नामों को खतियत दे दी गई है, जिसमें मौजूदा 3 अराकीन पार्लियामेंट किशन रेड्डी सिकंदराबाद से, बंडी संजय करीमनगर और डी अरविंद को निज़ामबाद पार्लिमानी हलकों पर दोबारा उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा हैदराबाद पार्लिमानी हलके से मशहूर तेलुगु फिल्म अदाकारा माधवी लता को, चेवल्ला से कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को, नागर कर्नूल से भरत और भुवनगिरि पार्लिमानी हलके से नरसैया गौड़ को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया गया है, जिसका सरकारी तौर पर अंदरून 2 यौम में बाजाब्ता ऐलान किया जाएगा।
بی آر ایس ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ کی قیادت میں تقریباً 200 سے زائد بی آر ایس قائدین مڈی گڈا کاروں کے قافلے کے ذریعے روانہ ہوئے۔ کے ٹی راما راؤ نے کالیشورم آبپاشی پروجیکٹ پر پریزنٹیشن پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بی آر ایس قائدین کا دورہ مڈی گڈا کا اہم مقصد کانگریس حکومت کی جانب سے سابقہ حکومت کو بدنام کرنے کی کوشش کو ناکام بنانا ہے۔ انہوں نے وزیر اعلی ریونت ریڈی سے مطالبہ کیا کہ مڈی گڈا کے شکاف پر سیاست کرنے کی بجائے بارش سے قبل اس کی مرمتی کام پائے تکمیل کرتے ہوئے اس کا تحفظ کریں۔ ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు రైతు ప్రయోజనాలు కాదు రాజకీయ ప్రయోజనాలే ముఖ్యం అన్నట్టుగా ఇవాళ దుష్ట రాజకీయం చేస్తున్న ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పడానికి ప్రజలకు మళ్ళొక్కసారి కాళేశ్వరం యొక్క గొప్పతనాన్ని వివరించడానికి పంటలు ఎండిపోకుండా చూసుకోవడానికి గొంతులు ఎండిపోకుండా మంచినీళ్ళకు కూడా గోస రాకుండా ఎండాకాలంలో చూసుకోవడానికే ఇవాళ మా పర్యటన। మేడిగడ్డ అనేది ఇప్పుడే పోచారం గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో 3 బరాజులు 15 రిజర్వాయర్లు 21 పంపింగ్ స్టేషన్లు దాదాపు 1500-1600 కిలోమీటర్ల ప్రవాహ కాలువలు 263-270 కిలోమీటర్ల సురంగ మార్గం ఇదంతా కలిపితే కాళేశ్వరం। ఇవాళ మా ప్రయాణం మొట్టమొదటిగా ఈరోజు మేడిగడ్డ తర్వాత అన్నారం పోతా ఉన్నాం తదనంతరం రాబోయే రోజుల్లో అన్ని రిజర్వాయర్లు కూడా సందర్శిస్తాము అన్ని చోట్ల కూడా పోతాము ఇది మొదటిది మాత్రమే ఇవాళ పర్యటన మొదటి భాగం మాత్రమే। ప్రభుత్వం తన బాధ్యత మర్చిపోయింది ఇవాళ వర్షాకాలం లోపల రిపేర్లు చేసి అక్కడ ఏమన్నా సమస్య ఉంటే సాంకేతిక సమస్య ఉంటే దాన్ని నివారించి రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వాల్సిన ప్రభుత్వం బాధ్యత మర్చి మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణను ఎడారిగా చేసే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నదో దశాబ్దాలు తన పరిపాలనతో కాంగ్రెస్ ఎట్లయితే గోసపుచ్చుకున్నదో తెలంగాణను మళ్ళా అదే ప్రయత్నం ఏదైతే చేస్తున్నదో దాన్ని ప్రజల దృష్టికి రైతుల దృష్టికి తీసుకురావడానికే మా ప్రయత్నం। మేము ప్రభుత్వాన్ని ఇప్పుడే పోచారం గారు డిమాండ్ చేసినట్టుగా అడిగేది ఒకటే ఒకటి మీకున్న అభ్యంతరం ఏంది రిపేర్ చేయడానికి బాధ్యుల మీద చర్యలు తీసుకోండి మేము కాదనట్లేదు తప్పు జరిగితే బాధ్యుల మీద చర్యలు తీసుకోండి ఏ రకమైన ఎంక్వైరీలు వేస్తారో వేసుకోండి కానీ మా మీద కోపం రైతుల మీద తీర్చుకోకండి మా మీద ఉండే ద్వేషం మా పార్టీ మీద ఉండే కోపం రైతుల మీద రాష్ట్ర ప్రజల మీద తీర్చవద్దు అనే మాట ఒకటి తప్పకుండా మా నాయకులు అందరం కూడా అన్ని రిజర్వాయర్లు గాని అన్ని పంపింగ్ స్టేషన్లు గాని అన్ని ప్రవాహ కాలువలు గాని అన్ని చోట్ల బుడబోతాం ఇది మొదటిది మాత్రమే మాట నేను మీకు విజ్ఞప్తిస్తాను। کوڑنگل چادل مسلمین کے اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف دیکھے گئے۔ مجلس چادل مسلمین کے اراکین اسمبلی اور کارپوریٹرز سے جڑی خبروں پر نظر ڈالیں گے۔ کلہن مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ عوامی خدمات کو یقینی بنانے کے غرض سے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے سعید آباد ڈویژن کے علاقے آسمان گڑھ میں پارٹی آفس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ مجلس رکن اسمبلی احمد بلالہ نے آسمان گڑھ میں قائم کی گئی اس پارٹی دفتر کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز کے علاوہ آسمان گڑھ کے ابتدائی صدر ایم اے وسیم و دیگر بھی موجود تھے۔ انٹرنس پہ لگا یہ ویڈیو پہ
मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को रुकन असम्बली कारवान कौसर मुहिद्दीन ने शेखपेट मंडल से मंजूरा 84 चेक्स मुस्तहकीन के हवाले किए। उन्होंने बताया कि इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक मेराज कॉलोनी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, हकीम पेट कुंटा और उसके आसपास के इलाकों से था। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन से इजहार तशक्कुर किया। बारोज जुमा सदर मतन जनाब नखे के मिलत बैरिस्टर असद साथी जायदत हल्के कारवान और शेखपेट मंडल के शादी मुबारक के 84 चेक को दिया गया, जिसके अंदर हकीम पेट, मेराज कॉलोनी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, जमाली कुंटा, हकीम पेट कुंटा अपनाप के शादी मुबारक के चक्कर आज 84 चेक को तोपकाल बड़ा इस चुनाव के अंदर दिया गया। इस प्रोग्राम के अंदर बद्री डिवीजन नानगर कारपोरेट जनाब रशीद साहब, जमात के सदर मतम के वर्कर्स, शेखपेट मंडल के डी एम आर ओ साहब के तमाम सबॉर्डिनेट इस प्रोग्राम में शामिल थे। इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूँ कि खासतौर से आपके बल्दी बर्फी आप आसानी कभी मसा रही है, आप इंशाल्लाह आप मुझको बताइए, क्या मेरे कॉर्पोरेटर्स को, क्या मेरी जमात के सदर मतमदी को बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल पर जाइए। और ख़ास तौर से आपके आसपास में या आपके किसी के पास भी शेखपेट मंडल के अंदर किसी पर शादी या कल्याण रश्मि के कुछ शख्स को रोका गया, इंशाल्लाह मैं कलेक्टर साहब से इलेक्शन को डालने से पहले इंशाल्लाह बात करकर जो भी पेंडिंग चेक है करीब करीब मैं समझता हूँ शेखपेट मंडल कारवान हल्के के 180 चेक। बल्ली डिवीज़न दूधबौली में वाक़ सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौसम गर्मा के पेश नज़र स्विमिंग पूल का आगाज़ किया गया, जहां मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने जीएचएमसी के अहदेदारों की मौजूदगी में स्विमिंग पूल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा मोहम्मद खादर और साबिका कॉरपोरेटर एम ए गफ़ार भी मौजूद थे। कबल अजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जिम्मेदारों की जानिब से रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के अलावा बल्दी अहदेदारों की भी गुलपोशी की गई और शालपोशी की गई, जबकि रुकन असम्बली ने इस मौके पर बच्चों के तैराकी का भी मुशाहिदा किया। मस्कुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नौजवान लड़कों के लिए अलहदा जबकि छोटे बच्चों के लिए अलहदा तैराकी की सहूलत मौजूद है। बाद अजा मोहम्मद मुबीन ने आवाम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद खेलकूद की सहूलियात से इस्तेफादा करने की अपील की। आज हल्का असम्बली बहादुरपुरे के बल्दी डिवीज़न दूधबौली में सालार मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया गया है। इस मौके के ऊपर हमारे एसी स्पोर्ट्स जनाब यादगीर राव साहब और स्पोर्ट डायरेक्टर मैडम और हमारे मुतालिका कॉरपोरेटर जनाब मोहम्मद सलीम साहब और साबिका कॉरपोरेटर जनाब
एम ए गफ़ार साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सुदूर मुतमदीन और कोचेस आज के इस इब्तदाई तकरीब में मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुराने शहर का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर सालार मिल्लत अलहाज सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब मरहूम के नाम से इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को क़ायम किया गया और यहाँ पर अल्लाह के फजल व करम से बेहतरीन अंदाज से यहाँ पर स्विमिंग पूल का और छोटे बच्चों के लिए भी स्विमिंग पूल का एहतमाम है। और मैं यहाँ की आवाम से, नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग आइए इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो स्विमिंग पूल है उससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए। जो गर्माई में सीज़न में ये चार महीने अल्हम्दुलिल्लाह इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एहतमाम किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पर आइए और आकर स्विमिंग कर सकते हैं आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेनों से सरखा करने वाली तीन खवातीन को रेलवे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 5,00,000 रुपए तलाई जेवर बरामद किए गए। इस खबर के साथ दीगर जरायम की खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। जेवरी के सरखे में मुलविस तीन बैन रियासती मुलजिमा को रेलवे पुलिस ने हिरासत में लिया और उनके कब्जे से 78 ग्राम तिलाई जेवर जुमला मालियती 5,00,000 रुपये बरामद कर लिए। रेलवे पुलिस के मुताबिक हिरासत में ली गई खवातीन का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से बताया गया है। मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जा रही ट्रेनों से मस्कुरा खवातीन ने सरखे की वारदातें अंजाम दी थीं। मासा ट्रेन पर वाक़ नाइट एंजल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से ज़ायद फीस वसूल की जा रही है। और आज जब उनकी शिकायत पर मुतालिका ओहदेदार मुआयने के लिए आए तो स्कूल इंतज़ामिया ने ताला लगा दिया और ओहदेदारों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनसे 50 से 60,000 रुपये तलब किए जा रहे हैं और फीस ना देने पर इम्तहान के लिए हॉल टिकट देने से भी इनकार किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ओहदेदारों को कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम अर्चना, मैं नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग में स्टूडेंट, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर के एग्जाम लिखा है मैडम, फीस भरे बोल के लिखा है वो भी। अभी सेकेंड ईयर का फीस 60,000 पूछ रहे, पहले 15,000 बोल के अभी 60,000 पूछ रहे, तो इसलिए बोल के हम लोग सब लोग मिलके कंप्लेंट दिए डीएमई मैडम को, कोटी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ डीएमई मैडम को दिए। अभी एग्ज़ाम्स नहीं लिखा है बोल के कंप्लेंट देना पड़ा फिर से, और ये जीएनएम एग्ज़ाम फीस ज़्यादा पूछने से हम नहीं दिए ज़्यादा फीस, 15,000 ईयर में। हाँ, एग्ज़ाम से पहले बोले, क्लासेस चल रहे हैं, अभी क्लासेस तो कुछ भी नहीं चल रहे। मतलब आप कितने साल हो रहा 2022 बैच, 2020 एग्जाम्स 1 मंथ है बोले, जब ऑनलाइन क्लासेस चलते 1 आवर ऑनलाइन क्लास बोलते एग्जाम से पहले। अभी तो क्लासेस कुछ भी नहीं है, खाली ऑनलाइन क्लिनिकल प्रैक्टिस बोल के भेजे, बट वो क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कहते, जॉब करा रहे बोल के बोले थोड़े लोग मालूम है। 6 आवर्स ड्यूटी। तो आप लोगों को तनख्वाह मिलती है? नहीं, कुछ भी स्टाइफंड भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते थे। पैसे उन जो वहां पे आते उन्होंने ले लेते। हाँ, मैडम आते थे उन्होंने ही लेते थे। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। कितने साल का कोर्स होता है? 3 इयर्स का कोर्स है ये। 3 इयर्स पे एग्जाम रहते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर। आपको खाली फर्स्ट ईयर का एग्जाम, फर्स्ट ईयर का एग्जाम लिखे। वो वसंता मैडम बोल के रहते, उन्होंने हमारे को ज्वाइन करे, उन्होंने ज्वाइन करे,
पहले उन्होंने क्या बोले, ज्वाइन होते से पहले फीस 15,000 रहता और आप सिंगल पेरेंट रहने से आपको स्टाइफंड भी मिलता, आप वो 15,000 भी भरने का ज़रूरत नहीं है, वो स्टाइफंड से ही फीस भर ले सकते और क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी रहता बोल के बोले, क्लासेस भी चलता बोले। हमारे पेरेंट्स आए तो भी ऐसे ही बहुत वल्गरली बात करते, ऐसा रूड बिहेवियर रहता उनका, प्रिंसिपल का बिहेवियर अच्छा नहीं रहता। अभी इतने गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए, इतने बड़े मैडम्स आए, उनको रेस्पेक्ट नहीं है, जैसा रोड पे बिठा दिए। हम कंप्लेंट देने के वजह से मैडम लोग आए। बैच पूरा 40 मेंबर्स है और 40 मेंबर्स में 20 मेंबर्स डर के बाहर नहीं आ रहे, उन लोग के पेरेंट्स भी डर के बाहर नहीं भेज रहे उन लोगों को, क्योंकि मैडम पुलिस उन लोगों को भी लास्ट ईयर में एक लड़की कंप्लेंट दी हमारे बात से और वो पुलिस ऑफिसर को जाके नो क्या करे नहीं पता, वो कंप्लेंट रिवर्स ले लेना पड़ा वो लड़की। रियासत तेलंगाना में इंटरमीडिएट के इम्तिहान जारी हैं। एक मिनट ताखिर से पहुंचने पर तुलबा को इम्तिहान लिखने नहीं दिया जा रहा है। एक रोज़ कबल एक तालबेन ने इम्तिहान में शिरकत की इजाज़त ना मिलने पर पानी में छलांग लगाकर ख़ुदकुशी की थी। तुलबा ने कहा कि इम्तिहान में मौसर बस खिदमात दस्तियाब नहीं है और उन्हें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, अगर ताखिर होती है तो उन्हें इम्तिहान लिखने नहीं दिया जा रहा है। इम्तिहान के दौरान जो बसें दस्तियाब हैं उनमें जगह की गुंजाइश नहीं होती, जिसकी वजह से वो बस में सवार नहीं हो पा रहे हैं, जबकि ऑटोज़ भी इम्तिहानी मराकज़ तक दस्तियाब नहीं है। हुकूमत को इस सिलसिले में मौसर इंतज़ाम करने चाहिए। ఎగ్జామ్ 9th ఉంది, 20 నిమిషాలు బస్ అన్నారు, ఇంకా బస్సు రాలే, ఇంకా వస్తలేదు, ఇంకా ఇంత లేట్ అయితే మాకు 1 మినిట్ అయితే ఏమో గంట అయితే మేము వచ్చి ఇప్పుడు ఏం టైం అవుతుంది 7:20 వస్తే అప్పటి వరకు అంటే 40 మినిట్స్ ఒక్క బస్సు కూడా లేకపోతే ఎట్లా మాకు ఆడ 1 మినిట్ అయితే మాకు ఏమో రాని రాలే ఎక్కడ వెళ్ళాలి మీరు మిట్టపల్లి तेलंगाना के नलगुंडे में ऑडिट ऑफिस में आग लगने का संगीन वाकया पेश आया। बताया गया है कि आतिशबाजी के इस वाकये में कंप्यूटर्स, ऑडिट फाइल्स के अलावा फर्नीचर जलकर खाकस्तर हो गया। इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाकये पर पहुंच गया और फिर आग पर काबू पाया गया। पुरानी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट इस वाकये की वजह बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के बुंतापाड़ू में चेन्नई कौमी शाहरा पर हुए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। बताया गया है कि कार बेकाबू होकर हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में मजीद 3 अफराद भी जख्मी हुए, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मथुरा नगर कॉलोनी वाक़ के जोबली हिल्स में पेश आए सड़क हादसे में एक मोटर कार तेज़ रफ्तारी में डिवाइडर से टकरा गई। अन्य शाहिदीन के मुताबिक इस हादसे में ड्राइवर की लापरवाही देखी गई। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी गई।
सेंटर जोन टास्क फोर्स टीम ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सैनिटेशन फील्ड असिस्टेंट्स दो को हिरासत में लिया। दो असिस्टेंट्स को हिरासत में इसलिए लिया गया क्योंकि उन्होंने क्लोनिंग के जरिए दीगर मुलाजमीन की तनख्वाहों को गैर कानूनी तौर पर हासिल किया। इस सिलसिले में एक केस भी दर्ज किया गया और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की गई। آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ پارلیمانی انتخابات میں بی جے پی کو شکست دیتے ہوئے انڈیا اتحاد کو کامیابی سے ہمکنار کریں، وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے کیرلا میں منعقدہ جلسہ عام سے کیا خطاب۔ کانگریس حکومت کالیشورم پروجیکٹ پر اپنی ذمہ داری کو بھول کر سیاست کر رہی ہے، کارگزار صدر کے ٹی آر نے لگایا الزام۔ مجلس اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ متعلقہ حلقوں اور ڈویژنز میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف۔ سترہ پارلیمانی حلقوں کے لیے بی جے پی نے امیدواروں کی ناموں کو خطیت دے دی، عنقریب ناموں کا کیا جائے گا اعلان۔ ٹرینوں سے سرقہ کرنے والی تین خواتین زیر حراست، 5 لاکھ روپے مالیتی طلائے زیور برآمد، ریلوے پولیس نے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔